हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर सम्राट टेक्नोलॉजीज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट प्रोग्राम इन द सी लैंग्वेज। दैट मीन कि आज हम वेरी बेसिक कंसेप्ट जो है सी के, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट, व्हाट इज द सी? तो सी एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया था 1972 में बाय द टेनिस एम रिट्जी एट अ बेल लेबोरेटरीज टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सी जो मेरा है उसको हम यूज करते हैं टू डिवेल्प दी सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि कंपाइलर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डाटाबेस। ओके, तो सी जो है उसको स्टूडेंट्स जो कि अभी स्टडी कर रहे हैं वो भी सीख सकते हैं, और जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी सेम ही इम्पॉर्टेंट है। तो सी को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसके हेल्प से आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो कर सकते हो, कुछ नए सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवेल्प कर सकते हो। ठीक है जी, तो देखते हैं इसका फर्स्ट प्रोग्राम, जिस जैसे कि वेरी बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ओके, तो देखिए मैं अपना सी का जो प्रोग्राम है उसको देव सी प्लस प्लस टूल जो है उसमें राइट करके रन करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक एडिटर, ज़रूरी नहीं है देव सी प्लस प्लस में करो, आप किसी और एडिटर में भी कर सकते हो, जैसे कि बोरलैंड टर्बो सी। ठीक है, तो आप उसमें भी इसको रन कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं इसमें प्रोग्राम जो है उसको कैसे रन करना है। तो वेरी फर्स्ट, हम जो भी प्रोग्राम राइट करते हैं उसके लिए हमें चाहिए एक हेडर फाइल। ठीक है, तो हेडर फाइल क्या होती है, जिसमें आगे हैश लग जाएगा। हम हैश इंक्लूड, इंक्लूड मतलब कोई भी फाइल जो कि पीछे डायरेक्टरी में है तो उसको आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा रहे हो। तो हम बेसिकली दो फाइल जो है उनको इंक्लूड करवाते हैं, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, ये बेसिक फाइल्स हैं जिनका हेडर के साथ में जो मतलब हेडर फाइल्स जो रहती हैं उनको इंक्लूड करने का मेथड है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट मुझे एक फंक्शन जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो जैसे कि इंट मेन। जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हो सी में तो आपको एक फंक्शन जो है वो डिफाइन करना रहेगा। तो स्टार्टिंग में हम मेन फंक्शन जिसको बोलते हो उसको डिफाइन करेंगे, और इसके बीच में मैं कमांड दूंगी जो कि हेल्प करेगी मेरा प्रिंट करने में। तो मैं प्रिंट एफ इज द इनपुट आउटपुट कंसोल फंक्शन, जिसमें प्रिंट एफ की हेल्प से आप अपने प्रोग्राम में जो चाहो वो प्रिंट करवा सकते हो। जैसे कि मैं बोला था आपको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए, तो हम जहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड जो है वो राइट डाउन किया एंड लास्ट के ऊपर सेमी कॉलन। ठीक है, इसके बाद इस वैल्यू को रिटर्न लेने के लिए, मतलब इसके आउटपुट को रिटर्न लेने के लिए हम लिखेंगे रिटर्न जीरो। ओके, तो ये वेरी बेसिक स्ट्रक्चर एक प्रोग्राम का सी में। सबसे पहले आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना रहता है, ठीक है, और देन आपको एक मेन फंक्शन इंक्लूड करना रहेगा, उसके बाद कमांड के लिए जैसे प्रिंट कमांड के लिए प्रिंट एफ लिखोगे और हेलो वर्ल्ड जो है बेसिक एक स्ट्रिंग की, जैसे अगर आप हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग दे रहे हो तो आपको इन्वर्टर कॉमा में इसको पास करना रहेगा। ठीक है, देन सेमी कॉलन, देन उसके बाद हम रिटर्न जीरो एंड इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे इस ब्रैकेट्स को। तो ये हमारा वेरी बेसिक जो प्रोग्राम है उसको हमने राइट किया। अब इसको हम सेव कर रहे हैं, सेव करके आप कहीं मर्जी सेव कर लो, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया हेलो। अब नीचे देख सकते हो कि जो भी सी की फाइल आप सेव करोगे उसकी एक्सटेंशन डॉट सी पी रहेगी, तो इसको मैं सेव कर रही हूँ। ठीक है, देखो हेलो डॉट सी पी पी। तो इसको हम क्या करेंगे, इस एडिटर में आपको कंपाइल रन और कंपाइल एंड रन दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपने कंपाइल करना है। अगर इसमें कोई एरर होगा तो मुझे नीचे स्क्रीन पे एरर आ जाएगा, नहीं तो साइड पे इसका जो आउटपुट है वो दिख जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड करके मेरा जो आउटपुट है वो मुझे मिल गया है। सो दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो गाइस, होप श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप ऑन द यूट्यूब वीडियो, एंड फॉर मोर टेक्निकल वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज द सम्राट टेक्नोलॉजीज। थैंक यू सो मच।